ओके okay, तो बहुत बहुत मुबारक हो वी हैव फाइनली रीच द लास्ट वीडियो ऑफ सी एन एस पैथोलॉजी और इसमें हमने बस एक रिव्यू करना है इंपॉर्टेंट सी एन एस का और उनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टेरिस्टिक्स देखने हैं उनको एक तरह से कंपेयर करना है आपस में ताकि जो डिफरेंसेस हैं वो याद हो जाएँ और जो कन्फ्यूजनल पॉइंट्स हैं वो हम डिफरेंशिएट कर सकें ठीक है अच्छा एनीवे नंबर वन इज़ द अच्छा मैं अभी ना सारे ट्यूमर्स के बारे में पढ़ाऊँगा रन में हम ये देखेंगे कि कौन से ट्यूमर्स एडल्ट्स में होते हैं कौन से बच्चों में होते हैं डेफिनेटली जो एडल्ट्स में होंगे वो सुप्राटेंटोल होंगे जो बच्चों में होंगे वो इन्फ्रा टेंटोरियल होंगे प्लस हम ये भी देखेंगे कौन से ट्यूमर्स हैं जो मोस्टली मलेगनेंट पोटेंशियल शो करते हैं या डेंजरस होते हैं कौन से ट्यूमर्स हैं जो मोस्टली बनायन होते हैं ठीक है ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में हमें पता है कि इट इज़ अ मलेग्नेंट यूमर इट इज़ अ ग्रेड फोर ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा ठीक है और ये एस्टोसाइड से ही ड्राइव होता है ट्यूमर ठीक है सेकेंडली ये कि एडल्ट्स और टीमर क्योंकि सुपर टेंटोरियल है एक ही बात बताना चाहिए और देन ये कि ये सर्बल हेमिसफेयर्स में होता है अगेन सुपर टेंटोरियल रीजन है तो डेफिनेटली एडल्ट ज़्यादा कॉमन होगा एंड इसकी मतलब पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि क्रॉस करता है कॉर्पस क्लोसम को स्थिति हम इसकी बटरफ्लाई रिशन भी कहते हैं तो बटरफ्लाई लीजन का वर्ड है तो वो ग्लियो ब्लास्ट्रोमा मल्टीफॉर्मे में होती है क्योंकि ये क्रॉस करता है कॉर्पस कलोसम को और ये दूसरे हमेशा तरफ से जा सकते हैं इसमें हमें रीजनस ऑफ नेक्रोसिस मिलते हैं क्यों क्योंकि ये हाईग्रेड ट्यूमर है इसके अलावा रीजनस ऑफ नेक्रोसिस कीर्दगी तो हमें ट्यूमर सेल्स पड़े हुए मिलेंगे और इस सीडो पेलीसेडिंग पैटर्न बनाते हैं तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि सीडो पैलिसेडिंग पैटर्न में मिलता है ग्लोबलास्ट्रोमा में कैसे बनता है दे आर एरियाज ऑफ नेक्रोसिस सराउंडेड बाई ट्यूमर सेल्स तो ये सीडो पेलीसिडिंग का पैटर्न बन जाता है इसके अलावा एंडोथेलियल सेल या वॉक्सल प्रोडफ्रेशन भी मिल सकती है और ट्यूमर सेल्स जो होते हैं ग्लायो पलस्ट्रोमिलिटी फॉर्म है कि वो क्या होते हैं जी फैप पॉजिटिव या ग्लाइल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन पॉजिटिव होते हैं ठीक है अच्छा इसके अलावा एक और ट्यूमर भी है जो जी फैप पॉजिटिव है दैट इज द पालोसिटिको एस्टो, एस्टोसाइटोमा जो कि अगेन एसोसाइटो ट्यूमर है जीफा पॉजिटिव दरअसल जो एसटोसाइट्स होते हैं ना उनके ऐसे ना प्रोसेस होते हैं ठीक है एस्टोसिटिक प्रोसेस इनमें जीफे फेब्रुलरी प्रोटीन पड़ी होती है तो वो प्रोटीन जब स्ट्रेन होती है तो वो जीफा पॉजिटिव एस्टोसाइडस कहते हैं ट्यूमर सेल्स और जीफा पॉजिटिव कह देते हैं तो ये एक हमें पालोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा मिलता है और एक हमें ये ग्लेबल एस्ट्रोमेटिक फॉर्म में मिलता है ठीक है अच्छा सेकंड ट्यूमर इज अच्छा प्रोग्नोसिस पुअर होता है क्योंकि ये फोर्थ ग्रेड है ना ग्रेड फोर एस्ट्रोसाइटोमा है मैनज्योमा मैनज्योमा इज द बिनान ट्यूमर ऑफ और ट्यूमर ऑफ द मैनजीज और ये इलेक्ट्रोट मैनिंगो थील सेल्स डराइव होता है और मोस्टली एडल्ट्स का ट्यूमर है एडल्ट में मैंने जमुा में नजर आएगा ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर और इसके मोस्टली जो सिम्टम होते हैं प्रेजेंटिंग वो सीजर सीजर की फॉर्म में होते हैं और ये ट्यूमर बिनाए है तो ये कंप्रेस तो करेगा सराउंडिंग ब्रेन को लेकिन ये इन्वेट नहीं करेगा ठीक है अच्छा मैंने जमुा के ना हमने पाँच क्लिनिकल पिक्चर्स देखी थी एक तो ये कि ये मैंने

अच्छा अगर ये ट्यूमर बायलेट्रली प्रेजेंट करेगा तब हम इसको कहेंगे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टू है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप टू लेवल होने के लिए बाइलेट्रल श्वानोमा होना चाहिए साथ में कोई ग्लायल सेल का ट्यूमर होना चाहिए जैसे एपनामोमा हो सकता है ठीक है आ, या कोई और या कोई और सीएनएस ट्यूमर होना चाहिए ठीक है जिओमा होना चाहिए तब हम कहेंगे कि वो न्यूरो टू है इस अलावा ओलेगोड्रोगा एक और प्रेजेंटिंग है ये भी एक ये एक मिलेगन ट्यूमर है और एडल्ट्स का ओलेगो डेंड्रोगमा कहाँ पर हमें नज़र आता है वाइट मैटर का ट्यूमर है और अगेन ये सर्बल हेमिसफेयर्स में होगा तो सुपरटेंटोरिगल है और एडल्ट का ट्यूमर और मेलिग्नेट है ओलिगो डेंड्रो ग्लायोमा ठीक है और इसकी इंपॉर्टेंट एक कैटेस्ट है कि इसमें हमें कैल्सिफिकेशन मिलते हैं ये ट्यूमर कैल्सफाइड होता है तो कैल्सफाइट ट्यूमर मिलेगा हमें इमेजिंग पे व्हाइट मैटर में और मोस्टली फ्रंटल लोब को इन्वाल्व कर रहा होता है ओलिगो डेंडो और इसकी हमें अगर सर्स देखें तो फ्राइडेक पेरेंस होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस केर्द गर्दना एक हेलो बना होता है अगर हमसे माइक्रोस्कोपे पर देखें तो दट इज ऑलिगो डेंडो लाओमा के का ट्यूमर है फ्रंटल लोब में होता है फ्राइडा है और ट्यूमर देखा था बच्चों में था और ये रिलेटिवली था इसको ग्रेड एसोसाइटोमा भी कहते हैं ठीक है।, है और ये ड्राइव कहाँ से हो रहा है सारे पहले ड्राइव ट्यूमर है और इसका इंपॉर्टेंट इमेजिंग पे एक सिस्टिक लीजन मिलती है म्यूरल नोड्यूल एक ऐसे वॉल में एक नोड्यूल बढ़ा होता है ठीक है ठीक है देखनी है चीज़ लेकिन यहाँ पर नजर भी आ रही है ठीक है और अच्छा हमारे ऑप्शसी भी हमें रोजन थाल फाइबस मिलता है रोजन थाल फाइबर्स होते हैं थिकोसिनोफिल होते हैं एस्टोसाइड्स तो के ठीक है और ये जीफा पॉजिटिव होते हैं तो रोजन थाल फाइबर्स जो कि थिक थिकोस तो हैं एंड उनके अंदर हमें ग्रैनुलर बॉडीज भी मिलेंगी और साथ में हमें जीफा पॉजिटिव फाइबर्स दैट इज ग्लाइल एसिडिक प्रोटीन पॉजिटिव ठीक है मिडिलो प्लास्टोमा नेम पर नहीं जाना दिस इज अ अभी ट्यूमर और अगेन अगर है तो मतलब बच्चों में ज्यादा कॉमन है ट्यूमर है लेकिन ये और तो उसका प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा नहीं है ठीक है ग्रैनुलर सेल्स होते हैं डिराइव हो रहा होता है और स्मॉल ब्लू सेल्स होते हैं इसके और होमर राइट रोजर्स मिलते हैं अच्छा एक ये कि स्यूडो रोजर्स हम देखे थे एपनडामोमा अच्छा नीचे ही है खैर एपनडामोमा में हमें स्यूडो रोजर्स मिलते हैं पहली वास्कुलर स्यूडो रोजर्स और प्रॉपर रोजर्स हमें मिलते हैं मेडलो प्लास्टोमा में ये डिफ्रेंस हमें याद रखना है एक इंपॉर्टेंट जो कैटेस्टिक है ना मिडलो प्लास्टोमा का ये है कि इसका पोअर प्रोग्नोसिस है इट हैज़ अ टेंडेंसी टू ग्रो रैपिडली एंड स्प्रेड वाई द सी एस एफ सी एस एफ के जरिए ये जब कोटा इक्वेना को रीच कर ले तब हम उसे कहते हैं कि ये ड्रोप हमेटोस्टेसिस ड्रॉप कर गया ट्यूमर नीचे गिर गया ठीक है तो सी एस एफ के जरिए मेडल प्लास्टो कैन स्प्रेड टू कोटा इक्वेना डट इज कॉल्ड एज ड्रोप हेटोस्टेसिस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है वाइवा में अपनडामोमा अपनडायमोमा अगेन वेंट्रिकुलर कोरोड प्लेक्सस का ट्यूमर है वहाँ पे जो सेल्स पड़े हुए हैं वहाँ से ड्राइव हो रहा होता है ये और फोर्थ वेंट्रिकल मोस्टली फैट करता है बच्चों को ट्यूमर है और सिंस वो जो वेंट्रिकुलर पोर्शन इन्वॉल्व होता है दैट कैन प्रेजेंट विद हाइड्रोकेफिलस एज वेल अच्छा और ये कि ये मलेगना ट्यूमर है रोजर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेडोलो ब्लास्टोमा में प्रॉपर रोजर्स बनते हैं क्रेनियोफ्रेंजियोमा बिनाइन ट्यूमर है और ये दोनों में हो सकता है एडल्ट्स में भी हो सकता है बच्चों में हो सकता है ये ड्राइव कहाँ से होता है ये एपिथेलियल रेमिनेंट्स ऑफ रथ के स्पोच जो कि एक स्ट्रक्चर है उस से राइज खरा होता है सुपर टेंडोरियल मैस है और क्रेंजियो फ्रोमर फ्रेंजोमा दरअसल ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक के को कंप्रेस कर सकता है जिसकी वजह से बाइटम्पोरल हेविन ऑप्सा मिलता है ऑप्टिक क्याजम को कंप्रेस करता है बाइट हेलियो हैविन ऑप्सा मिलता है कैट्रस्टिक रिलेशन है जो हमें क्रेजियो फ्रेंजोमा मिलेगी क्लासफिकेशन इसमें भी नजर आ सकते हैं इमेजिंग पे हमें उसको हम टूथ लैक इशू कहते हैं पीछे हमने क्लासफिकेशन ऑनली को डंडोग्रामो में पड़ी थी लेकिन इसमें भी हमें जो क्लासफिकेशन मिलेगी वो टूथ लैक बैटर में होगी बिना ट्यूमर है तो ये वो ज़रा रिवाइज कर लेते हैं अब तक बिनाइन ट्यूमर हमने कौन से पढ़े हैं मैंनेज्योमा जो बड़ों का था बिनाइन टी उमर है ठीक है शोनोमा जो कि अगेन जो कि बच्चों का था लेकिन बिनाइन टी उमर है ठीक है अच्छा इसके अलावा और कौन सा बिनाइंटीर है पालसिस एस्टोसाइडोमा अगेन बच्चों का है और बिनाइन टीमर है इसके अलावा मिडिलो ब्लास्टोमा मेलिग्नेंट है लेकिन बच्चों में पाया जाता है बेटा मेलेग्नेट है लेकिन बच्चों में पाया जाता है फ्रेनिफ्रेंजमा दोनों में आ जाता है और बिनाइन टीमर है ठीक है तो बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी और आई uh, होप uh, बस वे डन विद सीनस पैथोलॉजी फॉर नाउ